सारी इन्फॉर्मेशन जो हम आप तक पहुंचाते हैं वो UKBA की वेबसाइट पर मौजूद होती है। हमारा मकसद क्या होता है, हम वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसको आसान और फहम अल्फाज में आप तक पहुँचा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो बस इसी तरह से देखते रहिए सोबिज़ ब्लॉग्स, ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए आइए फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो का मकसद उन व्यूअर्स के क्वेश्चंस के आंसर देना है जिन्होंने UK इमिग्रेशन के हवाले से क्वेश्चन किए हैं। और आज की वीडियो में मेरे साथ हैं कामरान जी। थैंक यू सोफिया, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मकसद लोगों के उन सवालात के जवाब देने हैं जिनको इमिग्रेशन के हवाले से मुश्किलात पेश आती हैं या जिनके उनको बारे में उनको सही से इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो हमारी वीडियो एक जनरल गाइडलाइन होती है, हम कोई UK इमिग्रेशन एक्सपर्ट नहीं है, हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और उस इंफॉर्मेशन की रोशनी में आपको गाइडलाइन देते हैं, जिसका मकसद आप लोगों की रहनुमाई करना है, आप लोगों के उन मसाइल को हल करना है जिनको आपको समझने में मुश्किल आती है। कि सारी इंफॉर्मेशन जो हम आप तक पहुँचाते हैं वो UKBA की वेबसाइट पर मौजूद होती है। हमारा मकसद क्या होता है, हम वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको आसान और फहम अल्फाज में आप तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, जिन लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं ये उन लोगों ने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं हमसे डिस्कस और शेयर किए हैं। हमारा मकसद उन लोगों को उनकी प्रॉब्लम के मुताबिक होम ऑफिस ने जो गाइडलाइन दी है उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन देना है। लेकिन एक्चुअल में जब ये केसेस सबमिट होने होते हैं, जब इन केसेस को इकट्ठा किया जाता है, होम ऑफिस के लिए तैयार किया जाता है, उस वक़्त क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस टाइम पे उस वक़्त के हालात के मुताबिक उन इंफॉर्मेशन को समझना, होम ऑफिस को सबमिट करने से पहले रिव्यू करना, पढ़ना, ये उन लोगों की पर्सनल जिम्मेदारी होती है। ऐसा ही है। हमारी इंफॉर्मेशन आज तक की जो है वो अब तक की अप टू डेट है। बिल्कुल। लेकिन कल क्या नई इन्फॉर्मेशन आएगी, किस तरह की आएगी, ये उन लोगों की खुद जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि हमारी जनरल गाइडलाइन से रहनुमाई लेने के बाद किसी इमिग्रेशन एक्सपर्ट से रब्ता करें, उसको बताएं, क्योंकि कई बार लोगों के केस इसलिए भी रिफ्यूज़ होते हैं कि उन्हें अपने केस के मुतालिक पता ही नहीं होता। तो हमारा मकसद है कि आपको आपके केस के मुतालिक आगाही देना है, उसके बाद आपका काम है कि आप इमिग्रेशन एक्सपर्ट के पास जाएं, उसको बताएं, उससे डिस्कस करें और उसके बाद अपने केस को सबमिट करें। अगर आपको कोई मसला हो, परेशानी हो, तो आप वो जो सवालात हमसे आपने ले चुके हैं, जो गाइडेंस हमसे ले चुके हैं, उसकी रोशनी में अपने केस को बेहतर तौर पर होम ऑफिस में प्रेजेंट करें, ताकि आपके केसेस आपके होम ऑफिस में प्रोग्रेस के चांसेस ज़्यादा हो सकें। बिल्कुल। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन हम कौन सा शामिल करते हैं आज की वीडियो में। जी सोफिया, तो जनाब सबसे पहला जो क्वेश्चन हम शामिल कर रहे हैं वो हमें आया है बकरा मंडी खुशाब से। इन साहब या साहिबा ने अपना नाम मेंशन नहीं किया, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि ये वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये एजेंट्स को दे सकें, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि वहाँ पे जो इनके रिलेटिव्स हैं वो इनको स्पॉन्सर नहीं करते। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसका जवाब देने से पहले आप अपने वीडियो के मुताबिक कुछ बताना चाहेंगी जो आपने बनाई थी? जी, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसमें मैंने काफ़ी उन कंपनीज के बारे में बताया है जो कि आपको स्पॉन्सर करती हैं अगर आप के पास प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे कि टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी और आप एज अ डॉक्टर, एज अ टीचर या फिर आप एज अ इंजीनियर यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं कमेंट में डाल दूँगी। थैंक यू सोफिया। अब ये बात आती है प्रोफेशनल डिग्री की। इसके अलावा UK में जब से ब्रेक्सिट हुआ है, कोविड आया है, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ों में डाउनफॉल आया है।
जैसे कुछ अर्सा पहले ड्राइवर्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी, यूके इमिग्रेशन ने ड्राइवर्स के लिए इमिग्रेशन के लिए आसानी की थी, पूरी दुनिया से ड्राइवर्स को जो है दावत दी थी कि वो आ सकें। इसी तरह से प्रीति पटेल ने, जो कि यहाँ के होम ऑफिस की जो सेक्रेटरी हैं प्रीति पटेल, उन्होंने असाइलम सीकर्स के लिए, चूँकि अब एक फिर से एक शॉर्टफॉल आ गया है इसमें केयरिंग के डिपार्टमेंट में, होम केयर के डिपार्टमेंट में, उसके लिए असाइलम सीकर्स जिनको काम की परमिशन नहीं होती उनके लिए स्पेशल परमिशन बनाई गई है कि वो यहाँ पर होम केयर में काम करें, क्योंकि वहाँ पर वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई है। इसी हवाले से बुचर्स का वीज़ा और नॉन प्रोफेशनल, यानी नॉन प्रोफेशनल के बाद हाईली प्रोफेशनल डिग्री के बाद जो दूसरे वीज़े आते हैं उनके लिए जो है, जब कोई बंदा अप्लाई करता है तो उसकी पहली कैटेगरी होती है कि पहले वैकेंसी क्रिएट की जाती है, उसके बाद वो स्किल वर्कर को यूके में तलाश किया जाता है, यूके में अगर वो शख्स ना मिले तो फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ यूरोप में उस मुसल जो है वैकेंसी को तलाश किया जाता है, उसके बाद अगर वो शख्स ना मिले और एम्प्लॉयर अपना जो है वो इंटरेस्ट जाहिर करे किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसको वो स्पॉन्सर करना चाहता है, तो उसको अपने एसेट जाहिर करने पड़ते हैं, होम ऑफिस की कैटेगरी में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो जो वैकेंसी क्रिएट कर रहा है क्या उसके मुतालिक वो वीज़ा इशू कर सकता है, उसने अपने एसेट मुकम्मल तौर पर डिक्लेयर किए हुए हैं, वो मुकम्मल टैक्स पे कर सकता है, इस काबिल है, उसकी फर्म इतनी बड़ी है कि वो उसको बुला सके, तो फिर वहाँ के जाने के बाद वो अपना केस जो, वो जो है एक वीज़ा एक वैकेंसी क्रिएट की जाती है जिसके बाद कोई भी शख्स यूके की इमिग्रेशन में आ सकता है। तो जो भी ये शख्स हैं जो कि भकर मंडी खुशाब से जो भी ये जिनका नाम है ये कह रहे हैं, इनको एक चीज़ समझ नहीं होगी कि रिश्तेदार स्पॉन्सर नहीं कर सकते। विजिट वीज़ा पे अगर कोई शख्स आता है तो उसके लिए उनको देखना पड़ता है कि उनसे उनका क्या ताल्लुक है, वो एक अलग कैटेगरी आते हैं, वो अगले सवाल में मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन जो ये कहना चाह रहे हैं उसमें ये देखा जाता है कि उनके रिश्तेदार कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, उनके बिजनेस के लिए किस एक्सपर्ट की ज़रूरत है, क्या होम ऑफिस ने उस एक्सपर्ट के लिए इमिग्रेशन वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, क्या उस वीज़ा की कैटेगरी में वो आ सकते हैं, वो वर्क वीज़ा होम ऑफिस की लिस्ट में मौजूद है, अगर वो वर्क वीज़ा होम ऑफिस की लिस्ट में मौजूद है, उनके अच्छे से एसेट डिक्लेयर हैं, वो उनको सही से स्पॉन्सर कर सकते हैं तो ही वो उनको बुला सकेंगे। ऐसे ही कोई रिश्तेदार उठकर किसी को वर्क वीज़ा पे नहीं बुला सकता, इसके लिए एक फर्म का होना ज़रूरी है, एक फर्म के अंदर जो मुकम्मल लवाजमात हैं वो सब पूरा करना ज़रूरी होते हैं, उनका टैक्स पे करना ज़रूरी होता है, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है कि जिस शख्स को बुला रहे हैं वो किस कैटेगरी में बुला रहे हैं, उसकी वाकई वो एक ही यूनिक कैटेगरी का बंदा है, वो वाकई उसी कैटेगरी को वही शख्स मीट कर सकता है, यूके में वो बंदा मौजूद नहीं है, यूरोप में वो बंदा मौजूद नहीं है, इसी वजह से मुझे दूसरे मुल्क से उस बंदे को बुलाया जा रहा है। ऐसे ही कोई भी रिश्तेदार किसी को वर्क वीज़ा के लिए स्पॉन्सर नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप अपने पैसे बचाएं, किसी भी एजेंट के पास बगैर सोचे समझे मत चले जाएं, क्योंकि एजेंट भी आपको पैसे लेते हैं, ये नहीं सोचेगा कि आपकी क्या मजबूरी है, वो कहेगा एक बंदा विलिंग है पैसे देने को जाने को, वो आपका केस सबमिट कर देगा और केस रिफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं, पहले देखें कि आपकी क्या एक्सपर्टीज है, आपका कितनी इंफॉर्मेशन है, आपकी क्या तालीम है, आपकी क्या स्किल्स है, क्या होम ऑफिस की आपकी स्किल्स के मुताबिक जो है कैटेगरी मौजूद है, उसके बाद आप देखें कि आप उस स्किल वर्कर में आते हैं, वो स्किल वर्कर के रिलेटेड आपके रिश्तेदारों के कोई फर्म या कोई भी चीज़ मौजूद है, फिर अगर वो चीज़ मौजूद हो तो वो आपको स्पॉन्सर करें, बुलाएं, तो आप लोग आ सकते हैं, इस तरह आप वर्क वीज़ा लेकर नहीं आ सकते। आई होप आपको आंसर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी सो भी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद कासिद साहब का। ये कहते हैं कि अगर बंदा विजिट वीज़ा पर यूके आए तो क्या यहाँ पर आकर शादी की जा सकती है या फिर लड़की को पाकिस्तान आना पड़ेगा शादी के लिए? तो जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने। जैसा कि नाम से जाहिर है विजिट वीज़ा का मतलब किसी भी मुल्क को विजिट करना होता है, वहाँ जाना होता है,
लेकिन यूके और बाकी मुल्कों में एक चीज़ होती है कि जब आप किसी कंट्री को विजिट करते हैं तो आप एज अ विजिटर वहाँ पे गए होते हैं, जी बिल्कुल लेकिन जब आप अपने इमिग्रेशन को अप्लाई करते हैं तो आप चूँकि विजिट में होते हैं, तो यूके ने इस चीज़ को बहुत अरसा पहले ख़त्म कर दिया हुआ है। जो लोग विजिट पर आते हैं वो अपना विजिट को ही मुकम्मल करेंगे, यूके में शादी नहीं कर सकते। सही इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि कुछ अरसा पहले मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे जो कि एक एयरलाइन में जॉब करते थे, उन्होंने यूके में शादी की। अच्छा शादी करने के बाद उन्होंने, शादी के अरेंजमेंट ऐसे हुआ कि मेहंदी उनकी पाकिस्तान में हुई, निकाह उनका यूके में हुआ। अच्छा निकाह के टाइम पे जो लड़की के घर वाले थे उन्होंने सब लोगों को यूके में उनको स्पॉन्सर किया, वो सब यहाँ पर आए, अच्छा उन लोगों ने यहाँ पर निकाह किया। निकाह करने के बाद वो एज अ विजिटर आए थे, ठीक निकाह है के बाद वो वापस चले गए। अच्छा लेकिन जब उन्होंने अपना केस होम ऑफिस में सबमिट किया तो उनका केस रिफ्यूज़ हो गया। अच्छा रीज़न ये थी कि वो इमिग्रेशन की उसको मीट नहीं कर पाए। होम ऑफिस का ये कहना था कि आप लोग विजिट वीज़ा पे आकर इस्लामिक निकाह नहीं कर सकते। निकाह तो हो जाएगा लेकिन होम ऑफिस को जब आप स्पाउस वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे आप उस कैटेगरी को मीट नहीं करेंगे। उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप वापस अपने मुल्क जाएं, ठीक है आपकी मिसिस पाकिस्तान आएं, वो आपसे आके निकाह करें। अच्छा निकाह करने के बाद वो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सबमिट करें, आपकी कैटेगरी विजिट वीज़ा से स्पाउस वीज़ा में कन्वर्ट होगी और कन्वर्ट होने के बाद ही आपको नया वीज़ा इशू किया जाएगा। ओके ओके ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप लोग यहाँ पर विजिट पर आएं, ठीक है आपकी एक कैटेगरी विजिट वीज़े की है तो आप उसको दूसरी कैटेगरी में स्विच कर दें। तो ठीक है उसको तब्दील करने के लिए आपको वापस अपने वापस मुल्क चले जाना जाना। पड़ेगा, जाकर आपको शादी करनी पड़ेगी। जो भी जिस कंट्री, मतलब इंडिया में जो लोग शादी अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक करते हैं वो अपने रस्म व रिवाज के मुताबिक ही करेंगे। ठीक है यूके में वो शादी हो तो जाएगी लेकिन होम ऑफिस उस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए आपको वापस जाना पड़ता है, वापस जाकर होम ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ता है। क्योंकि आप विजिट वीज़ा पे आकर निकाह कर तो सकते हैं लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो अच्छा होम ऑफिस अच्छा में रजिस्टर नहीं होगा ठीक है और होम ठीक है ऑफिस उसको परमिशन नहीं देगा। तो इसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो काइंडली ऐसा मत कीजिए। आप विजिट वीज़ा पे आएँ, अपने विजिट वीज़ा को मुकम्मल कीजिए। मुकम्मल करने के बाद अगर आप निकाह कर रहे हैं तो वो निकाह यहाँ तक ही रहेगा। शादी ओके तो आपकी इस्लामिक मैरिज तो हो जाएगी ठीक है लेकिन वीज़ा की कैटेगरी के लिए आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके लिए होम ऑफिस जो है वो अपनी ही जो है कैटेगरी अपने लॉ को ही फॉलो करता है, जिसमें ठीक है आपको अपने टाइम फ्रेम के अंदर वापस जाना पड़ता है। वापस ठीक है जाकर आपके स्पाउस को यहाँ पे आना पड़ेगा। आने के बाद देखा जाएगा कि क्या उसकी इनकम 18,600 से ज़्यादा है, ठीक वो है कोई बेनिफिट क्लेम नहीं कर रही, ठीक है आपको अच्छे से स्पॉन्सर कर सकती है। तो वो होम ऑफिस के बाद आप तमाम शवाहद इकट्ठे करने के बाद जो भी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो सब प्रूफ लगाने के बाद होम ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करेंगी। उसके बाद नया वीज़ा इशू होगा जिसके बाद ओके वो अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर कर सकती हैं। तो ठीक है विजिट वीज़ा पे आने के बाद आप किसी को भी स्पॉन्सर या स्विच नहीं अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। ओके हर हाल में आपको वापस वापस जा जाना ही वापस जा पड़ेगा। इस्लामिक मैरिज तो हो जाएगी, आपकी मैरिज जो इस्लामी है वो तो हो जाएगी लेकिन होम ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी, इसलिए आपको वीज़ा इशू नहीं होगा। आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा और वहाँ से जाकर वीज़ा इशू करवाना पड़ेगा। आई होप आपको जवाब सही मिल गया होगा। तो ठीक है हो सकता है बहुत सारे और भी लोगों का ये क्वेश्चन हो तो सुन ले। अब आप लोगों ने इंग्लैंड आना है इंजॉय करना है यहाँ पर आकर सैर तफरी करनी है विजिट वीज़ा पर और फिर वापस जाना है और वहाँ पर शादी करनी है जाकर। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी सोफी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन किया है हमारे से आमना कायनात ने और ये कहती है कि मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ के B1 टेस्ट और लाइफ इन द यूके टेस्ट में क्या डिफरेंस है और ये कब दिए जाते हैं टेस्ट तो बताइएगा। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। लाइफ इन अ यूके टेस्ट और B1 टेस्ट। पहले मैं B1 टेस्ट के बारे में बता दूं जी कि B1 टेस्ट एक लैंग्वेज टेस्ट है जो हर उस शख्स को दिया देना ज़रूरी है
जो कि इमिग्रेशन की कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कि अगर आप यूरोप में, पुर्तगाल में या फ्रांस में या जर्मनी में, अगर आप अपने वीज़ा में जब इमिग्रेशन आपकी करीब आती है या जब आप उनकी नेशनलिटी को हासिल करने के लिए जाते हैं तो आपको एक लैंग्वेज टेस्ट पास करना पड़ता है। ठीक है, तो उसी की कैटेगरी में होम ऑफिस ने ये B1 टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था, जिसका मकसद यह है कि वो लोग जो कि इमिग्रेशन के हसूल के लिए जाते हैं, जो कि इंडेफिनिट को अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना ज़रूरी है, जिसको B1 टेस्ट कहा जाता है, जिसमें इंग्लिश से मुतालिक उनकी इंग्लिश को जांचा जाता है, देखा जाता है कि क्या वो एक बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकते हैं। ये इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता, जस्ट एक बेसिक टेस्ट होता है जिसमें आपसे मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है, और आपसे एक बेसिक सी मालूमात हासिल की जाती है, जिसका मकसद ये होता है कि आपको आपकी इंग्लिश से मुतालिक आगाही है, आप डॉक्टर्स या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप जाते हैं तो क्या अपने मामलात को हल कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरत पेश आई, इससे पहले B1 टेस्ट मौजूद नहीं था, काफ़ी अर्से तक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मौजूद नहीं था। इसके लिए प्रॉब्लम ये आती थी कि UK को जो थे लैंग्वेज एक्सपर्ट रखने पड़ते थे, जो कि आपके सुनने के बाद लोकल लैंग्वेज कम्युनिटी की लैंग्वेज सुनने के बाद इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करते थे। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए तमाम उन लोगों को जिनकी तालीम क्वालिफिकेशन UK से नहीं है या इंग्लिश कंट्री से नहीं है, ठीक है, उन सबको B1 टेस्ट पास करना ज़रूरी है। और ये भी बता दें कि इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग दो मॉड्यूल हैं या फिर इसमें राइटिंग वगैरह? नहीं, इसमें सिर्फ दो मॉड्यूल होते हैं, स्पीकिंग और लिसनिंग होते हैं, इसमें राइटिंग और रीडिंग नहीं होता। इसका मकसद सिर्फ कन्वर्सेशन होता है कि ये जानना ज़रूरी होता है कि आप बेसिक इंग्लिश बोल सकते हैं, अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, बैंक जाकर, ग्रोसरी शॉप पर जाकर, डॉक्टर्स के पास जाकर, या जनरल मालूमात के लिए अगर आप कहीं जाते हैं या स्कूल वगैरह में जाते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए, तो आप बातचीत कर सकते हैं, यानी आप अपनी बात किसी को समझा सकते हैं और दूसरे की समझ सकते हैं। ये बात करते हैं लाइफ इन द UK टेस्ट की। ठीक है, लाइफ इन द UK टेस्ट होम ऑफिस की एक अहम रिक्वायरमेंट है। जब आप इमिग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा इंग्लिश टेस्ट के साथ, जिसका नाम है लाइफ इन द UK टेस्ट। लाइफ इन द UK टेस्ट UK हिस्ट्री से मुतालिक एक इंफॉर्मेशन है जो आपको एक किताब की फॉर्म में दी जाती है, आपने उसको पढ़ना होता है। उसको पढ़ने के बाद ये इनकी प्रीवियस हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का मिक्सचर होती है, जिसमें UK की ज़िंदगी के मुतालिक बताया जाता है। ठीक है, इसमें स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड के मुतालिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, कौन कौन सी अहम शख्सियात UK में मौजूद हैं, जो गुजर चुकी हैं, कौन कौन से अहम मकामात हैं, और उनके आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स के परचम कौन से हैं, इनमें क्या फ़र्क है, और ये तमाम इंफॉर्मेशन एक बुक के फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, ये 30 मिनट का टेस्ट आता है, 30 मिनट या 1 घंटे का, मुझे सही मालूम नहीं है, एक घंटे का टेस्ट आता है, जिसमें आपको 24 सवाल दिए जाते हैं, जिसमें से 18 सवाल के सही जवाब देने ज़रूरी होते हैं। एक क्वेश्चन के नीचे 4 इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, 4 में से किसी एक का सही होना, दुरुस्त जवाब पे निशान लगाना ज़रूरी होता है। तो ये इसकी बुक फॉर्म मौजूद है, अगर आप ध्यान से देख सके, अगर आपको कैमरा सही से दिखा सके, तो ये बुक है। आपको न्यू एडिशन के मुतालिक लेना पड़ेगा, ये 2014 का एडिशन है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होता इसमें, क्योंकि इसमें हिस्ट्री में जो है, इसमें हिस्ट्री से मुतालिक से लेकर तमाम तर कम्युनिटीज के मुतालिक सवालात पूछे जाते हैं। वो क्या क्या MCQs की सूरत में आता है ना ये पेपर? बिल्कुल, एक MCQs की सूरत में आता है, और ये बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप बगैर बुक पढ़े सिर्फ MCQs पर रिलाई नहीं कर सकते। सही, इसके मुतालिक हम एक मुकम्मल वीडियो बनाएंगे कि आप लाइफ इन UK टेस्ट आसानी से किस तरह पास कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम इसको किस तरह इजी बना सकते हैं, हम इन चैप्टर्स को जो मुश्किल हैं उनको कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ इनकी जो UK हिस्ट्री के मुतालिक आती है, जिसमें स्टोन एज आता है, सिल्वर एज आता है, मैग्ना कार्टा आता है, ये वो चीज़ें हैं जो कि
आम फहम जबान, आम इंग्लिश में नहीं है, थोड़ी डिफिकल्ट इंग्लिश में है। ठीक है, कौन कौन से किंग आए, क्या क्या हुआ, लोग इसके मुतालिक जो है मुश्किलात का शिकार होते हैं और कोशिश करते हैं कि इस टेस्ट को अवॉइड करें या बार बार इस टेस्ट में फेल होते हैं। तो पहले हम कुछ एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप इंशाल्लाह ताला पहली गो में ही इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। उसको किस तरह पास करना है, हमने मुश्किल चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है, टेस्ट को अपने लिए कैसे इजी बनाना है और टेस्ट को कैसे समझना है, इसके लिए इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द एक वीडियो बनाएंगे। और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए भी हम आपको रहनुमाई फराहम करेंगे, हम खुद आपको इसकी तैयारी करवाएंगे जिसमें आप बहुत आसानी के साथ लाइफ इन आई यू के टेस्ट पास कर सकते हैं। इसके लिए बहुत लंबी चौड़ी इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ सवाल की समझ होना ज़रूरी है। और याद रखिए, बग़ैर बुक पढ़े आप ये टेस्ट पास नहीं कर सकते। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आपकी कमांड इंग्लिश पे बहुत अच्छी है, तो आप इस टेस्ट को एमसीक्यू से भी पास करते हैं, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अगर आपने बुक को नहीं पढ़ा तो आप हिस्ट्री के सवाल नहीं दे सकते। तो मुश्किल चैप्टर्स को आसान किस तरह किया जाएगा, सवाल की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी, हम कितने आसानी के साथ टेस्ट को पास कर सकते हैं, इसके लिए एक मुकम्मल वीडियो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द बनाएंगे। अब तक के लिए ज़रूरी है कि दो चीज़ें इमिग्रेशन में आती हैं, जब आप इमिग्रेशन को अप्लाई करते हैं, जब आप इंडेफिनेट के लिए जाते हैं, तो आपके लिए लाइफ इन यू के टेस्ट जो कि ये बुक है और B1 टेस्ट जो कि लैंग्वेज टेस्ट है वो पास करना ज़रूरी है। B1 टेस्ट वो लोग नहीं देते जिन लोगों ने बैचलर्स या मास्टर्स यूके से किया होता है या जिनकी क्वालिफिकेशन किसी भी इंग्लिश कंट्री यानी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और या न्यूजीलैंड या ऐसे इंग्लिश कंट्री से होती है, उनको एग्जम्पशन हो जाती है। बाकी वो तमाम लोग, वो किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो, चाहे वो स्पाउस वीज़ा से आ रहे हो, वर्क वीज़ा से आ रहे हो, लॉन्ग रेजिडेंसी से आ रहे हो, किसी भी कैटेगरी से आ रहे हो, उन्हें दो टेस्ट लाजमी पास करने हैं। एक B1 टेस्ट जो कि इंग्लिश का टेस्ट है जिसमें दो मॉड्यूल है, स्पीकिंग और लिसनिंग, और दूसरा दूसरा लाइफ इन द यूके टेस्ट जो कि आपको दिखा चुके हैं बुक, जिसमें बहुत से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात आती हैं और वो बार बार उस टेस्ट में फेल होते हैं। ये टेस्ट मुश्किल है ज़रूर, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि इसको पास ना किया जा सके, इसलिए प्लीज़ इसे घबराएं मत। और दूसरी बात, एक आपको नसीहत है कि जैसे ही आप स्पाउस वीज़ा वाले खासकर जब अपनी पहली एक्सटेंशन हो जाए तो दूसरी एक्सटेंशन के एंड तक का वेट मत करें, फौरन इस टेस्ट को दे दें। जितना जल्दी आप इस टेस्ट को तैयार करना शुरू करेंगे उतना आप लोगों के लिए आसानी होगी। जो लोग एंड में इस टेस्ट को लेकर चलते हैं उनके लिए इस टेस्ट को पास करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। तो जब तक ये दो अहम डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होंगे, आपने ये हासिल नहीं किए होंगे, आपको इनडेफिनिट रिमेन टू लीव नहीं मिल सके। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आई होप आपको आपके आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम शामिल करेंगे जहीर खान साहब का, जो पूछते हैं कि यूके में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर उर्दू में मास्टर्स या BS करवाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि किसी भी दूसरी लैंग्वेज में यूके में जो है फॉरेन लैंग्वेज में BA या मास्टर्स की सूरत मौजूद हो। तो आपको जब अप्लाई करना होगा तो आपको स्टूडेंट वीज़ा के ही जो है रूट को फॉलो करना पड़ेगा, जो उसके बुनियादी असूल हैं उन पे चलना पड़ेगा। आपको यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना पड़ेगा, कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा और IELTS का इम्तिहान पास करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप IELTS का इम्तिहान पास करेंगे उसका मकसद यही है कि आप यहाँ पर इंग्लिश क्वालिफिकेशन के लिए आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन मौजूद होती तो IELTS की रिक्वायरमेंट ही ना होती। तो आई होप आप जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि जब हम UK के लिए स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें जो IELTS की जो कैटेगरी रखी जाती है, जो सर्टिफिकेट रखा गया है, उसका मकसद ही यही है कि आपको यहाँ आने के लिए इंग्लिश लिखना पढ़ना जानना ज़रूरी है। क्योंकि IELTS के 4 मॉड्यूल होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग, और इसके डिफरेंट बैंड होते हैं। और हर यूनिवर्सिटी अपनी क्वालिफिकेशन, आपकी जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही बैंड की रिक्वायरमेंट दी गई होती है। यही 4.5 से लेकर 7.7 तक जाता है, 4.5 है, 5 है, 5.5 है, ये डिपेंड करता है कि
कहाँ तक यूनिवर्सिटी की या कॉलेज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट आपके कोर्स के मुताबिक क्या रिक्वायरमेंट है. तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा हरगिज़ नहीं है. आई होप के फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी लोग यहाँ डिग्री करने आए. अल्लाह ताला आपके जो है नेक मकासद में आपको कामयाब करें. और अगर आप इल्म के हसूल के लिए आना चाहते हैं तो काइंडली किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का जो है तयन कीजिए और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उन शरायत को पूरा कीजिए और यहाँ पर आकर अपने फर्दर एजुकेशन को पूरा करें. आई होप आपको इसका जवाब मिल गया. सो बी नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है मिस खान ने हमसे और ये कहती है कि सिस अगर हस्बैंड डिक्लेयर ना करे कि ये मेरी वाइफ है तो वो किस तरह से अपनी वाइफ को यूके लेकर जा सकते हैं. थैंक यू सो मच. ये एक बहुत अजीब सा और बड़ा अहम सवाल है. इसका जवाब तो बड़ा मुश्किल है देना क्योंकि जब आप शादी करते हैं तो आप जो है आपके मिसेज आपकी वाइफ जो होती है आपकी ज़िम्मेदारी होती हैं. आप यूके में सिर्फ अपने डिपेंडेंट्स को ही बुला सकते हैं. कई बार अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. कई केसेस में लोगों ने अपने पेरेंट्स को अपने डिपेंडेंट बनाकर बुलाने की कोशिश की तो होम ऑफिस ने उनके लिए कुछ ऐसे सवाल खड़े किए जो उस टाइम के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल था. जैसे कि आप केयर टेकर उनको उनकी कंट्री में ही प्रोवाइड कर दें या किसी नेबर से उनकी ज़िम्मेदारी लगा दें. इसी तरीके से जो आपकी मिसिस हैं वो आपकी प्योरली आपकी ज़िम्मेदारी होती हैं तो उसके लिए जो कैटेगरी है वो स्पाउस वीज़ा की ही आती है. बग़ैर स्पाउस वीज़ा के आप अपने हस्बैंड के पास किस तरह आ सकती हैं ये बहुत मुश्किल चीज़ है. दो या तो आप विज़िट वीज़ा पे वो आपको विज़िट वीज़ा क्यों इशू करें जब आप उनका स्पाउस बन कर आ सकती हैं. कई केसेस में लोगों ने अपने स्पाउस को विजिट वीज़ा पे बुलाने की कोशिश की. ऐसे केसेस भी हैं लेकिन होम ऑफिस ने जब उनसे उनका ताल्लुक पूछा रिलेशनशिप पूछा तो उनको इस कैटेगरी में रिफ्यूज़ कर दिया. तो इसलिए ये बहुत मुश्किल है. मेरे पास तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं. बेहतर है कि आप किसी अच्छे इमिग्रेशन एक्सपर्ट से इस चीज़ को लिए रब्ता करें उनसे पूछें जहाँ एज फार एज मेरा या हमारा नॉलेज है जो होम ऑफिस जो हम मुझे जो गाइडलाइन मिली है उसमें अब तक ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपने स्पाउस को अपने डिपेंडेंट को बग़ैर स्पाउस वीज़ा के किसी और कैटेगरी में बुला कर रखा जाए क्योंकि उसके बाद आप वो रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं पूरी कर सकते. लेकिन आप विजिट वीज़ा पे मेडिकल अप्लाई नहीं कर सकते. आप विजिट वीज़ा बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते. विजिट वीज़ा पे आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और आपने ये शो करना होता है कि आप यहाँ विजिट करने आए हैं और जिसके पास आए हैं उसके रीज़न ऑफ विजिट क्या है. ठीक है. तो वाइफ अपने हस्बैंड के पास विजिट के लिए तो नहीं आएगी. ऑफकोर्स ये उनका एक रिश्ता है. ये ऐसा रिश्ता है जो साथ चलने वाला होता है. इसीलिए होम ऑफिस ने स्पाउस वीज़ा को जो है कैटेगरी इंट्रोड्यूस की हुई है. स्पाउस वीज़ा ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने स्पाउस के पास आ सकते हैं. उसके अलावा ऐसे मेरे इल्म में तो ऐसा कोई चीज़ मौजूद नहीं. अच्छा, है इन्होंने अपने एक और कमेंट में लिखा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर शादी की हुई है और वो मुझे अपनी वाइफ डिक्लेयर नहीं करना चाहते. ये तो वो जाने या उनकी. सो आई होप मिसेस खान आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि स्पाउस वीज़ा के बगैर स्टूडेंट वीज़ा ही भी एक कैटेगरी है जिसमें वो आ सकते हैं. लेकिन फिर वही आप वो अपने स्पाउस स्टूडेंट वीज़ा से अपने स्पाउस वीज़ा को स्विच नहीं कर सकते. तो होपफुली आपको जवाब सवाल का जवाब समझ आ गया होगा. आप काइंडली अपने हस्बैंड से कॉन्टेक्ट कीजिए और ये समझाने की कोशिश कीजिए कि स्पाउस वीज़ा के थ्रू ही वो आ सकते हैं. अगर उन्होंने यहाँ पर पहले कोई शादी की हुई है या कोई उनका ऐसा कोई मसला है तो उसको आप खुद सॉर्ट आउट करें. उस पर हम लोग कुछ कमेंट या नहीं बता सकते कि शादी की हुई है या नहीं की हुई. इस बारे में हमें इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं तो हम इन्फॉर्मेशन कैसे रख सकते हैं. तो आई होप आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि स्पाउस वीज़ा ही एक वीज़ा है जिसके थ्रू आपके हस्बैंड आपको बुला सकते हैं. तो डियर व्यूअर्स, आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि और भी किसी का इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और उनको इस वीडियो के थ्रू इसका आंसर मिल जाए. तो मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में. हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं हम किसी खास टॉपिक पर या किसी वीज़ा कैटेगरी पर वीडियो बनाएं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है.
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे और कामरान को इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआओं में रखिएगा यार, अल्लाह हाफिज़।